वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मान जो गुरु प्यारे गुरु सारे गुरमुख जनों सिख मिशनरी कॉलेज वालों चल रही इस गुरमत क्लास विच आप सारे जी आया। जिस तरह आप जानते हो कि हर शुक्रवार असी भक्तवाणी विचों कुछ चौनवे शब्द या कुछ समझन विच जिहड़े मुश्किल आउंदे हन जिन्हां दे अंतरी भाव होंगे हैं उन्हां शब्दां दा विचार हर शुक्रवार आप जी नाल सांझ करदे हां। हर शुक्रवार नूं विचार कीती जा रही है। तो अजकल गौड़ी राग दे कबीर जी के शब्दों विचों जो शब्द चुने गए हैं अज का शब्द वेद की पुत्री सिमरत भाई साकल जेवरी लह आई ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 329 के उत्ते है। यह विचार असं करेंगे और ये भाव अर्थ असं जानेंगे। विचार के साथ साडे नाल कर रहे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी उच सर्कल तो जम्मू कश्मीर तो मैं उन्होंने बेनती कर रहा हाँ कि अज के इस शब्द की विचार आरंभ की जाए। वीर मनमोहन सिंह जी उच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद वाहे गुरु 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 जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सन्मानयोग समूह गुरमुख प्यारियो जो अज दा शब्द विचार वास्ते हुक्म होया है गोड़ी कबीर जी दा शब्द है पन्ना 329 ते गोड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई सांकल जेवरी लह आई आपन नगर आप तै बंदिया मोके फांद काल सर संदिया आपन नगर आप तै बंदिया मोके फांद काल सर संदिया कटी न कटे टूट न जाई सा सापन हुए जग को खाई हम देखत जिन सब जग लूटिया कहो कबीर मैं राम कै छूटिया हम देखत जिन सब जग लूटिया ओहो कबीर मैं राम कै छूटिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु प्रसाद संगत जीओ ये जो शब्द गोड़ी राग दे अंदर भगत कबीर जी का है पन्ना धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी 329 के उत्ते सुशोभित है। इस शब्द के अंदर भगत जी ने सानू जो ज्ञान बख्शिश करन दा यतन कीता
कि जो भारत वर्ष के अंदर सनातन का मत सी उस मत के अंदर जो उन्होंने धार्मिक पुस्तक धार्मिक ग्रंथ हैं उन्हों का हवाला दे के समझाने का यतन किया गया। मनुख संसार के धार्मिक पुरश ने मौत का डरावा पा के मोह की फास विच फसा के मोह की फाह विच फसा के जन्म मरण का तीर जो है वह खिंचया होया अते ये जो धार्मिक पुस्तक ने इन्हां दे विचों सच जानो जो मनुखता है उसनों उलझाउण दा यतन कीता ते जो तत् पदार्थ सी जो उस प्रभु परमात्मा दा सिमरन भगती सी उस तो दूर करन दा यतन कीता। रहाओ दियां भगतियां ने आपन नगर आप तै बांधिया मोह कै फान काल सर संदिया। जी बख्शिश करते हैं कि भाई जिवें अपने नगर नू नगर विच वसन वाले श्रद्धालुआं नू अपने श्रद्धालुआं नू आप ही किसी जेवरी के अंदर किसी जंजाल के अंदर किसी जाल दे विच फसा के रखिया ते फिर मोह दी फाई विच मौत जन्म मरण का तीर खिंचया होया ते जिदे कारण मनुख जो है उन्हां कर्मकांडां दे अंदर फसिया। हुण भगत जी गल किस दी कर रहे हन? असीं सारे ये गल समझदे हाँ कि इत्थे दा जो मत सी सनातन मत एक पुरातन मत सी उहदे अंदर बहुता जो मिथ्यास है उहदे विच कुछ इहो जिहियां शक्तियां दी गल कीती गई जिन्हां नूं संसार दे अंदर परमात्मा करके प्रगट करन दा यतन कीता कि यह परमात्मा ही है जदों के गुरमत दा फलसफा केवल ते केवल एक अकाल पुरख परमात्मा नूं ही संसार दा सिरजनहार संसार दा पालनहार संसार दे सर्व समर्थ शक्ति करके मनदा ते जदों असीं उन्हां फलसफियां नूं देखदे हाँ उहदे अंदर जो देवी देवते ने उन्होंने प्रधानता दी गई रब करके पूजिया गया। इस शब्द के अंदर भगत जी जो हिंदू फलसफे दे विच्चों सिमृतियां ने उन्हां दी गल करदे कि भई ये एक जो धार्मिक उन्हां दा लिटरेचर है जिस दे नाल उन्हां दा जो सारे जीवन नूं किवें उन्हां ने जीवना है उस सेध उन्हां नूं दित्ती जांदी। आम करके प्रचलित है कि जो वेद ने वह ब्रह्मा जी ने अपने मुख तो उचारण किए अते फिर वह वेद जो सन वह उन्होंने वड्डे वड्डे जो सकालर सन जो वड्डे रिखी सन जो उन्होंने शिष्य होया करते सन उन्होंने जबानी जबानी सुना दिते जाते सन वह जबानी ही चलते रहते सन ते फिर वह जो चीज़ा जबानी चलन वाली सन उन्होंने श्रुति कहते सन उहदे विच उपनिषद भी सन उपनिषद तो भाव जिहड़ा गुरु कोई अपने शिष्य नूं चेले नूं कोल बिठा के बड़ी ही घट आवाज दे विच कुछ ज्ञान देवे कुछ समझावे जिस दी आवाज किसे तीजे तक ना पहुंच सके। इसे तरीके दे नाल ओ जो वेद सन उन्हां नूं जिहड़े जबानी चलदे सन उन्हां नूं श्रुति कहा जांदा सी अते फिर दूजे पासे होर जो इन्हां दे धार्मिक लिटरेचर जो लिखती ते तौर दे उत्ते आया कुछ ऋषियां ने लिखिया कुछ जो उहदे विच समृतियां बनिया कई जो वड्डे वड्डे इन्हां दे ज्ञानवान ने उन्होंने कुछ लिख के संसार दे सामने लियांदा ते उन्हां दे विच इन्हां नूं जीवन दा तरीकाकार जो सी दस्या गया भई जीवन किस तरह दा होवे बड़ा उहदे उत्ते माण कीता जांदा भई बड़ा पुराना मत है ये पूर्ण जीवन की जांच दर्शाउंदा है। पर जदों असीं इन्हां नूं घोखदे हाँ पढ़ते हाँ तो ये अंदर यह चीज देखने लगती है कि बहुत कुछ आपा विरोधी ही इन्हां दे अंदर हुण वेदां दी जिक दे गल नूं देखिया जावे तो वेद जो ने इन्हां ने ही जन्म दिता है सिमृतियां वेदां दे विच्चों ही मुड़ के अगे सिमृतियां जो ने वह पैदा हो रही शास्त्र पैदा हो रहे हैं। हुण जो ये सिमृतियां ने इन्हां दे विच ढंग तरीके दसे गए भाई किसी मनुख ने जीवन कि जीना राजपा किस तरह का होगा धर्म के संस्कार किस तरह के होंगे इतने तक
कि जन्म तो लैके मौत तक मनुख जो है उसनू तरीका कार दसिया गया भाई तेरा जीवन इस तरह का हो, लेकिन उहदे विच प्रधानता जो सी धार्मिक पुरश नू दे दित्ती गई। हुण जिहड़ा धार्मिक पुरश सी उसने मनुख नू मौत तो इतना डरा दिता कि हर कर्म के अंदर मौत का डर बिठा के रख दिता। मोह जो सी उसका जाल ऐसा जाल बुनिया कि हर बंदा किसी भी कर्म तो पहला कर्म करन तो पहला वह धार्मिक पुरश के उत्ते निर्भर हो गया। उसने जाके पूछना शुरू कर दिता, हर गल दे वास्ते पूछना शुरू कर दिता। तो धार्मिक जिहड़ा पुरश सी उसने इसनू ऐसा उलझाया, ऐसा फसाया कि बस उसने हर चीज जो सी उसनू अपने ही हाथी च रख लिया। किते जो सी ओ जात पात नू जन्म दे दिता गया, कर्म कांडा नू जन्म दे दिता गया। कौन विद्या लै सकदा है, कौन विद्या दे सकदा है, दान कौन करेगा, कदों कदों करेगा, किस किस तरह का दान करेगा, दान लवेगा कौन। इसे तरीके दे नाल और जो कर्म कांड ने धर्म दे उन्हां सारियां दा अधिकार जो सी ओ धार्मिक पुरश ने लै लिया। हुण भगत जी इस बाणी दे अंदर, इस शब्द दे अंदर बख्शिश करदे ने, वेद की पुत्री सिमरत पाई सांकल जेवरी लह आई। भगत जी कहंदे ने भाई ये जिहड़ियां सिमरतियां ने ये वेदा तो जमी है, वेदा दे आधार दे उत्ते है, वेदा तो ही सेध लैके ये सिमरतियां जो ने ये संसार दे विच जो इन्हां दे धार्मिक पुरश सन जिन्हां नूं विद्वान किया गया, ऋषि मुनि किया गया, उन्होंने पैदा कर लई। पर सतगुरु पातशाह दी बाणी दे अंदर इनकलाबी भगत कबीर जी कमाल की गल करदे ने। भगत जी कहिंदे ने भाई सच जाने हो ये जो सिमरतियां ने ये अपने नाल वर्ण आश्रम दे संगल ते कर्म कांड दीयां रस्सियां जंजीरां लैके आई। भाव इन्हां ने जन्म किस नूं दिता, वर्ण वंड नूं। इन्हां ने कर्म कांड जो ने वह पैदा किए, सच करके इन्हों का प्रभु मिलाप के नाल कोई भी लेखा जोखा नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। ये तो जाल के अंदर, कर्म कांडा के जाल के अंदर, वर्ण वंड के जाल के अंदर, ऊंच नीच के जाल के अंदर, नफरत के जाल के अंदर, वड्डे ते छोटे के जाल के अंदर ये जो बन रहे ने मनुख नूं, वंड रहे ने मनुख। हुण सतगुरु पातशाह की बाणी के अंदर जो सतगुरु जी की बाणी नूं असीं पढ़दे हाँ तो सतगुरु समझाउंदे ने सिमरत शासत सोदिया पाई बिन सतगुर परम न जाए अनक कर्म कर थाकिया पाई फिर बंधन पाए। महाराज कहिंदे ने भाई कुछ सिमरतियां शासत इन्हां नूं सोध सोध के देख देख के पढ़ पढ़ के ते फिर होया कि सतगुरु कहिंदे ने भाई सतगुरु तो बिना भरम नहीं जा सकता, कोई जिन्ना मर्जी कर लवे। अनक कर्म कर थाकिया भाई, पता नहीं किन्ने किस्म के कर्म कांड मनुख नूं सिखा दिते गए। ते सतगुरु कहिंदे थक जांदा मनुख, अक जांदा मनुख, समझदा भी है कि यह निराधार ने, लेकिन जाल ऐसा बुनिया उहदे विचों निकल ही नहीं सकदा, उहदे विच फसिया पिया है। कई बार अपने इलाके के अंदर देखने नूं लभदा है किते किसी की मृतक हो जाए ना, ते जिहड़ा सनातन मत दा उहनां दे कर्म कांड ने वड्डे वड्डे पढ़े लिखे जो ने उहनां दे सामने बैठे होंदे। की मजाल, पंडित जी ने कह दिता कि ए पत्ते दे उत्ते ए कणक दे चार दाने रखो ते उहदा एक दाना भी थले डै जावे, कहिंदे नहीं पूरे ध्यान दे नाल रखना है, ऐ पानी दा छट्टा मारना है, खब्बे हथ नाल मारना है, उहदी की मजाल उह सज्जे नाल मार दे, ढाई कदम चलना है, उहदी की मजाल उह सवा दो कदम कर लवे। जिवें जिवें उहनूं दस्सिया जा रिहा है, जिवें जिवें उहनूं किया जा रहा है, बस वह बद्धा होया, एक डर है, उस डर के अंदर बद्धा होया, उस जाल के विच फसिया करी जा रहा। हुण सतगुरु पातशाह की बाणी कहती है कि भाई सिमरत शासत अंत ना जाने, मूर्ख अंधा तत ना पछाने, आप करे कराए करता आपे भरम भुलाएंदा। कि भाई संसार के अंदर ये जो सिमरत शास्त्र ने जिन्हां दे बारे च यह प्रचारिया गया कि रब की बारे च सब कुछ पता लग गया पढ़न वाले नूं, इन्हां दे विच सब कुछ रब दे बारे च है। सतगुरु कहिंदे नहीं भाई यह इन्हां दे राहीं दस्से होए कर्म कांड यह होर कांडां च कर्मां च फसाई जा रहे ने, यह पूर्ण तौर दे उत्ते परमात्मा दा ज्ञान नहीं दे सकते।
मनुख होर और भुलदा जा रहा, होर और फसदा जा रहा। अनक उपाव ना छुटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। सतगुरु पातशाह की बाणी कूक कूक के सानू समझाउंदी है कि जिन्ने मर्जी कोई मनुख उपाव कर लवे छुट नहीं सकता, फसिया रहिंदा है। अते माफ करना, जदों भी असी इन्हां सिमरतियां नू, शास्त्रां नू, वेदां नू देखदे हां, इहदे विचों एक गल जो है सामने आउंदी है कि मनुख डरिया होया, मनुख नू डराया गया है। मनुख दे खुशी दे कारज होण तद वी उहदे उत्ते मौत दा सहम जो है ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿੱਥ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਕਰ ਲਏ, सिमरत शास्त्र वेद विचारदा रहे। सतगुरु पाचे कहने भाई नहीं, बच नहीं सकता, हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। तू मन ला के हरी की भगती नू कर, तेरा बचाव हो सकता है। फिर सतगुरु पातशाह समझाते ने, सिमरत शास्त्र वेद वखाना है, भरमे भूला तत् ना जाना है। पढ़े सिमरत शास्त्र वेद, पढ़ पढ़ के सतगुरु पातशाह ने पढ़ पढ़ के सुनाउंदा है, लेकिन आप भरम दे विच फसिया होया, वह जो जीवन का मनोरथ है उसनू समझ नहीं सकता, आत्मक आनंद लै नहीं सकता। बिन सतगुर सेवे सुख ना पाए, दुख दुख कमावनिया। महाराज कहते सुख तो लभना सी सतगुरु की सेवा चो, सुख तो लभना सी सतगुरु के दस्से हुए रस्ते तो, लेकिन यह होर उल्टा दुखां दे विच ही फसता जा रहा। असी आनंद साहब जी की बाणी के अंदर रोज पढ़ते हाँ, सतगुरु जी ने बख्शिश की, सिमरत शासत पुन पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी। सतगुरु ने सिमरत शासत साजियन, पाप पुन गणत गणिनी। महाराज कहते हैं भाई इन्होंने किया कि यह पाप है, यह पुन है, यह धर्म का कर्म है, यह अधर्म है, यह कीतिया पार उतारा हो जाएगा, यह कीतिया माड़ा हो जाएगा, यह सा चंगा है, यह शगन है, यह अपशगन है, अज सूतक हो गया, अज पातक हो गया, यह सारिया चीजा जो उन्हें इन्होंने उलझा के रख दिता। हूँ सतगुरु पातशाह की बाणी के अंदर असं पढ़ते हैं, सतगुरु बख्शिश करते हैं कि भाई सिमरत शासत पुन पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी। सच करके जो आत्मक आनंद की अवस्था है वह इन्होंने नहीं लभदी। आदमी कर्मकांडा उलझिया रहा है, आदमी सहमिया से डरिया ही रहा है। तत्ते सार ना जानी गुरु बाजों, तत्ते सार ना जानी। सतगुरु कहते आत्मक आनंद की अवस्था, उस अकाल पुरख के बारे में ज्ञान गुरु तो बिना नहीं लभ सकता। तेई गुणी संसार भरम सुत्ता सुतियां रहन भी आनी। ये जिन्हें वेद ने, यह शास्त्र ने, सिमरतियां ने, सतगुरु ने सारे दियां सारियां ये असल दे विच माया दे जो तीन गुण ने उन्हां दे प्रभाव के थले ने, उन्हां दे प्रभाव के अधीन ने। तेई गुणी संसार भरम सुत्ता, सारा संसार भरम के अंदर सुता पिया, सुतियां रहन भी आनी। जिंदगी की रात सुतिया सुतिया ही लंघे। पर कहते गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्हां दे उत्ते गुरु की कृपा हो गई, जिन्हां नूं सोझी आ गई। मर कहते वह करते की ने, वह इन्हां तों बाहर निकल जाते। उन्हां नूं पता कि भाई तत् ज्ञान की है, जीवन का मनोरथ की है, आत्मक आनंद लभेगा कितों। गुर किरपा ते से जन जागे, वह जाग पैंदे ने, वह अज्ञानता की कर्मकांडा की नींद चो बाहर निकलते हैं। महाराज कहते हैं छे जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। हरि परमात्मा नाम परमात्मा हिरदे च वस जाता है, मुख दे विचों अमृत बाणी वह बोली जा रहे ने। ते पाछा बख्शिश करते ने, कह नानक सो तत् पाए, जिसनों अन दिन हर लिव लागै जागत रहन वे हन। महाराज कहते भाई ये अवस्था उन्हां दी है जिन्हां नूं हर वेले उस परमात्मा की याद दे विच जिहड़े जुड़े हुए ने, हर वेले उन्हां दे अंदर सिमरन की रोज चल रही है। सतगुरु पातशाह कहिंदे ने ओ ही प्रवान हुंदे। हुण सतगुरु बाणी के अंदर बार बार समझा रहे कि सिमरत शासत सोध सब किन्ने कीम ना जानी, जो जन भेटै साध संग सो हर रंग मान। मतलब कहिंदे बड़ी दुनिया ने इन्हां नूं सोध सोध के देखिया, पढ़िया, पर उस परमात्मा की कीम जो है वह किसी नूं नहीं लभी। परमात्मा के बारे च ज्ञान नहीं हो सकिया।
जो जन भेटा साध संग सो हर रंग मानी। असी बाणी के अंदर पढ़ते हाँ हर कीरत साध संगत है सिर करमन क्या करवा कहो नानक तिस प्यो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लैना। हुण जिथे इतना विश्वास गुरु पातशाह ने दिता होवे कि दुनिया के सारे कर्मकांडा तो उत्तम कर्मकांड केवल ते केवल हरि की कीर्ति करनी ते सत्संगत करनी, इस वर्गा संसार के अंदर होर कोई कर्म नहीं। वड्डे भाग होण मनुख गुरु नाल जुड़ जावे ते सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरु की बख्शिश होंदी है, फिर यह हरि की कीरत यह सत्संगत रूपी जो कर्म ने यह उहदे हिस्से विच आउंदे ने। नहीं तो दुनिया जो है सतगुरु पातशाह कहिंदे करी जा रही है कर्मकांड, दुनिया जो है भुली हुई है उन्होंने उत्ते जाल पिया होया है, उस संगत विच बंधे हुए ने। ते महाराज कहिंदे जो जन भेटा साध संग सो हर रंग मानी सच नाम करता पुरख ए रत्ना खानी मस्तक होवे लिखिया हर सिमर प्राणी। महाराज कहते भाई अकाल पुरख परमात्मा का नाम रत्ना की खान है, जो सारे सुख ने वह परमात्मा के नाम के अंदर ने, इस वर्गा कीमती होर कोई तत् नहीं। तोसा दिच्चा सच नाम नानक मैं मानी। सतगुरु पातशाह कहते भाई ये सिमरत शास्त्र ये वेद पुराण ये रस्ते दी गल्लां करदे ने कि भाई मनुख तेन यह कर्म मरण तो बाद करने ने, यह कर्म करने ने, इस तरह करना है, रस्ते की यह रास होगी। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं भाई इतने तो खर्चा जो राह दे लई है वह सच्चा नाम है, परमात्मा का नाम है। तो सतगुरु पातशाह बाणी के अंदर एक गल समझाउण दा यतन कर रहे हैं कि भाई मनुख ये मनुख जो मनुखां वल्लों बनाया होया एक अडंबर है ये केवल तो केवल सानू कर्मकांडा च फसा रहा, जो सच करके परमात्मा दे नाल मिलाप का साधन नहीं। सिमरत शास्त्र पढ़े पुराना वाद वखाने तत ना जाना विन गुर पूरे तत ना पाई है सच सूचे सच राह आए। सतगुरु पातशाह कहते भाई ये पढ़ पढ़ के गुरु सच्चे तो बिना तत नहीं लभदा, जिन्ना मर्जी कोई इन्हां नूं पढ़ लवे प्रभु परमात्मा जो है वह भेद नहीं लभदा। वेद शास्त्र जन त्यावे तरन को संसार कर्म धर्म अनेक क्रिया सब उपर नाम आचार। महाराज कहते भाई मनुख इन्हों पढ़ के फिर इन्हों दसे हुए कर्म कांड करी जा रहा, पर सतगुरु कहते नहीं भाई इन्हों सारे कर्म धर्मां तो उपर जो है वह अकाल पुरख परमात्मा का नाम है। धार्मिक सब तो वड्डी जो मर्यादा है वह परमात्मा का नाम है। तो सतगुरु पातशाह ने बाणी के अंदर यह जो कर्मकांड ने कि भाई कर्मकांडा दे विच फसिया आदमी जात पात विच फसिया होया आदमी जो इन्होंने दस दस के मनुख नूं उलझाया होया है इहदे विचों कदी भी इहनूं धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये उस परमात्मा के दर के उत्ते प्रवानगी नहीं लै सकता क्योंकि यह उल्टा इहदे विच फसदा जा रहा है। वेद पढ़े हर नाम ना बूझे माया कारण पढ़ पढ़ लूझे अंतर मैल अग्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर तरी जाए। सब कहते वेद पढ़ी जा रहा है, वेद पढ़ी जा रहा है परमात्मा के नाम की सोझी नहीं पई, परमात्मा के सिमरन की सोझी नहीं पई, परमात्मा की समर्था परमात्मा की सर्वउच्चता की सोझी नहीं हुई। ये भुलेखिया के अंदर ही रिहाए ने कई कई रब बना दिते, करते नूं छड़ के कीर्तन की पूजा च लग गया, इसने मुक्ति दे वास्ते कई किस्म के अडंबर ते पखंड पैदा कर ली। सतगुरु पातशाह कहते ने भाई ये नाल ते पार उतारा हो नहीं सी सकदा। अंतर मैल अग्ञानी अंधा अपने अंदर अग्ञानता की मैल जात पैत की मैल ते फिर कर्मकांडा की अग्ञानता इसने कट्ठी कर ली क्यों कर दुत्तर तरीजा ए। सतगुरु पातशाह कहते दस भाई ये ना तरिया जाण वाला संसार ये दुत्तर तर किवें सकदा जद ज्ञान ही नहीं, केवल कर्मकांडा च फस गया, केवल जो सी इन्हां सिमरतियां वल्लों फस बनाए हुए जाल दे विच फस गया ते जीवन जो सी उह ते खजल हो गया कुआर हो गया। हुण सतगुरु पातशाह समझाउंदे ने भाई वेद बाद सब आक बखाने ना अंतर भीजा ना शब्द पछाणै पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजा हे। सतगुरु पातशाह ने बख्शिश की कि दुनिया के लोग जिहड़े इन्हां दे नाल जुड़े ने वह वेद पढ़ रहे ने फिर ये उत्ते बहसां कर रहे ने, दुनिया नूं सुनाई जा रहे ने, समझाई जा रहे ने, कर्मकांड दसी जा रहे ने, दुनिया नूं वंडी जा रहे ने, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे सच करके अंदर जो सी उह तृप्त नहीं होया, अंदर जो सी उह परमात्मा नाल जुड़िया नहीं, उस परमात्मा नूं हिरदे अंदर वसाया नहीं,
फिर पुन पाप है जो संसार के अंदर परिभाषा दी गई सतगुरु कहते यह भी वेदा की ही दी पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पी जाए गुरमुख जो है वह नाम रूपी अमृत पी पींदा है। हुण जो असीं पाप पुन नूं देखदे हाँ तो फिर यह अपने आप विच आपा विरोधी ने। जो वेदा की गल करांगे उत्थे कई जोने दो नूं मन रहे ने दो नूं नहीं मनते कई तीन नूं मनते ने चौथे नूं नहीं मनते। इस करके कोई द्विवेदी हो गया कोई त्रिवेदी हो गया कोई चतुर्वेदी हो गया। जिहड़ा त्रिवेदी है वह कहिंदा मैं चौथे नूं नहीं मनदा जिहड़ा द्विवेदी है वह कहिंदा मैं दूजिया दोवां नूं नहीं मनदा। यह आपा विरोधी इन्हों के अंदर भी ही विरोध अभ्यास है। फिर जो इन्हों के बाकी सिमरतियां ने शास्त्र ने उन्होंने अंदर भी आपा विरोध है। वो किस तरह का आपा विरोध है एक जिसन धर्म जिस चीज न एक धर्म दस रहा है दूजा वो वास्ते धर्म है। हम मिसाल ले लीए एक ऐसा है जरा मास खान गुना समझदा पाप समझदा है तो दूजा पक्ष ऐसा है जरा मास खान धर्म समझ रहा है। इतने तक इन्हों अगौड़ी ने वो बंदे का मुरदे का मास भी खाते। हुण इसे तरीके दे नाल एक जो ने वो सन्यासी ने मुंडन करी जा रहे ने केस नहीं रखते ते इको ने जिहड़े जटाधारी ने वो केसां दा कतल करना पाप समझदे ने ते वो जटावां रखदे ने। इसे तरीके दे नाल कोई जो है किते जाके कीड़ियां नूं दाने पाई जा रहा है कोई किते गां नूं पेड़ा खवाई जा रहा भाई इहदे विच की है कि पेड़ा खवाउण दे नाल धर्म दा कर्म है। लेकिन उही ओ व्यक्ति जदों गां उहदा किते नुकसान करदी उहदे तों बर्दाश्त नहीं हुंदा भाई धर्म है तो बर्दाश्त करना चाहीदा है। आम करके असीं एक साखी सुणदे सी कि पंडित जी बच्चे नूं नाल लैके किते कथा सुनन वास्ते चले गए ते कथा जो सी कथाकार ने गऊ की अहमियत धर्म के अंदर दसी कि बड़ी पूजनीक है इहदी पूजा करनी चाहीदी इहनूं पेड़ा खवाउणा चाहीदा इहदा इस तरह करना चाहिए उस तरह करना चाहिए। लोग तो बहुत हद ही टप जाते हैं मलमूत भी जो ने लोग खा जाते पी जाते हैं। हुण जदों उन्हें इत्थों सुनिया ते आया आके दुकान ते बैठा ते दुकान सी सब्जी दी इन्नी देर नूं गऊ आई उहने मारिया मूंह ते अद्धी जो हरी सब्जी सी उहने चुक लई। हुण जिहड़े दुकानदार सन उन्होंने लाठी चुक लई ते एक दो लट्ठां मार दित्तियां बच्चे ने शोर पाया एकदम क्यों मार रहे हो क्यों मार रहे हो जी पूजा करनी है कहला रख के पासे पूजा नूं नुकसान कर गई। इस करके मैं बेनती कर रहा कि आपा विरोधी अंदर ही सी कि भाई किसी चीज नूं केड़े वेले पूजना है जदों जरूरत है पूज लिया जदों नहीं जरूरत तो फिर वह पूजा वास्ते नहीं। तो सतगुरु पातशाह की बाणी ने इहो गल समझाउण दा यतन किया कि भाई संसार के अंदर जिहड़े ये धर्म शास्त्र ने इन्होंने आपा विरोध ही पैदा कर दिता इन्होंने मनुखता नूं ही आपस च वंड दिता इत्थे तक वंड दिता कि असीं बाणी नूं पढ़दे हाँ सतगुरु पातशाह ने बख्शिश कीती कि भाई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। सतगुरु कहिंदे भाई जात का गर्भ ना कर हंकार ना कर। लेकिन दूजे पासे यह जो धार्मिक पुस्तकां सन ये वंड रही सन यह मनुखता नूं खत्री ब्राह्मण शूद वैश करके वंडिया गया। फिर इतनी दुर्दिशा उन्हां अखोती नीच जातां दी कीती कि जे कदे किते उन्हां नूं विद्या जो सी लैण दा हक नहीं ते किसे ने किते धर्म दी पढ़ाई कर ली किते चार श्लोक उचारण कर ले तां उहदी जीव कट दित्ती जावेगी सिक्का घाल के जे कदे उहने सुन लिया ते उहदे कन्नां च पा दित्ता जावेगा। कुत्ते नूं घर दे अंदर आउण दी इजाजत सी कुत्ता अंदर पूरे घर दे अंदर फिर जांदा सी। कुमार दे बनाए हुए चाकू दे नाल सब्जियां ते फल कट के खा लैंदा सी। चमार दी पाई जुत्ती नूं लैके अपने घर दे अंदर फिरदा सी। कुमार दे बनाए हुए भांडे चों पानी पी लैंदा सी। लेकिन कुमार चमार लोहार इन्हां नूं घर दे अंदर नहीं सी आउण दिंदे। कितनी दुर्दिशा सी अज भी असीं देख रहे हां बड़े इलाके ने जिन्हां इलाकियां दे अंदर चप्पल पा के कोई बंदा उच्च जातियां दे इलाके चों नहीं लंघ सकदा। सिर दे उत्ते जे कदे पग बन लवे ता पग बनन दे उत्ते पाबंदी है शास्त्रां वल्लों इन्हां धार्मिक पुस्तकां वल्लों धार्मिक पुरशां वल्लों ते जे कदे ओह पग बन लवे ते उहदे सिर दी चमड़ी उतार दित्ती जांदी। इह हुणे जदों पंजाब दा चीफ मिनिस्टर बनिया बड़ा रौला पाया गया दलित बन गया दल हालांकि सिक्खी दे अंदर तां इहो जी गल नहीं दुनिया हैरान हो गई। असीं ट्वीट देखे लोकां दे कि भाई दलित पग बनदे ने भाव कि इहनां नूं हक ही नहीं सी मनण दा।
जात पात दे अंदर मनुख नूं वंड दिता गया, फिर इन्हां बेचारियां दा जीना जो सी दुर्लभ करके रख दिता। हुण सतगुरु पातशाह ने ज्ञान बख्शिश किया, सतगुरु नानक पातशाह ने बाहर कढ़िया इत्थों ते समझाया, आवाज मारी, भाई ला लो किलियां करन वाला तरखाण है, भाई करके सीने दे नाल ला लिया। सतगुरु पातशाह ने एक आवाज दिती, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच नानक, तिनकै संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच समाले तिथे नदर तेरी बख्शी। क्या कमाल से, कितना वड्डा इनकलाब से कि छोटी जात का मनुख धर्मस्थान के अंदर नहीं जा सकता, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म पुरश, धर्म गुरु, धन गुरु नानक पातशाह, जिन्हों वास्ते सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वो गुरु बाबा आप चल के किसी किलियां करन वाले दे घर विच जाके पहुंच गया, उन्हें छाती नाल ला रहे, वार वार आवाज दे रहे ने, भाई ला लो, भाई ला लो। एक बहुत वड्डा इनकलाब से। हुण सतगुरु पातशाह की बाणी ने जो समझाया कि भाई जात जो है ये मनुख की बनाई हुई है, ये इन्हां धार्मिक जो किताबां की देन है, जो इन्हां लोकां ने अपने फायदे दे वास्ते मनुखता नूं वंडन दे वास्ते संसार विच दित्तियां, जिन्हां दा परमात्मा दे नाल, धर्म दे नाल, परमात्मा की बंदगी दे नाल कोई सच करके लैणा देणा नहीं। असीं बाणी दे अंदर पढ़दे हाँ, पतत पवित्र लीए कर अपने, सगल करत नमस्कारो, बरन जात को पूछै नहीं, बांडे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो। हुण देखो क्या कमाल से, एक पासे छोटी जात दे नूं परमात्मा दा नाम लैण दा हक नहीं, विद्या लैण दा हक नहीं, वेद पाठ करन दा हक नहीं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़न दा हक नहीं। जे कि पढ़ता है सजा है, धार्मिक स्थान के अंदर जाएगा धक्के मार के बाहर कर दिता जाए, कोई काम वो कर ही नहीं सकता धर्म का। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को धनी कही जय, जन को अंग निहार। भाई कोई भी नाम जपण वाला हो वे, सारी सृष्टि का धनी बन जाएगा। सतगुरु पातशाह कहते सारी सृष्टि का वह धर्मी बन जाएगा। तो सतगुरु कहते साध संघ नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो नाम दियो, तिरलोचन कबीर दास रो, मुक्त पियो चमियार। महाराज कहते देख असी ओ शास्त्र, असी ओ धर्म का ज्ञान, असी ओ धर्म के स्क्रिप्चर तुहानू दे रहे हां कि जिहड़े ये गल समझा रहे ने कि तुहाडी जात का लैना देना ही कोई नहीं पई, तुसीं संसार के अंदर किसी भी जात के होवो, तुसीं नाम जप सकते हो, तो नाम जप के कोई जुलाया का काम करने वाला, कोई नाइया का काम करने वाला, कोई धोबिया का काम करने वाला, कोई चमियारा का काम करने वाला, अज धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर विराजमान, बराबर का सत्कार लभ रहा है, हर मनुख जो उन्होंने मत्था टेक रहा है। सतगुरु पातशाह ने यह जो जात पात जो इन्हों सिमरतियां वालों फैलाई गई, जो वेदा वालों फैलाई गई, जो धर्म शास्त्रा वालों फैलाई गई, सतगुरु पातशाह ने पूर्ण तौर पर इन्हों का खंडन किया। अते फिर यह गल समझा दिती, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, जो ये पाखंड किए जा रहे हैं धर्म के नाम के उत्ते, तीन जम जागाती लुटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत छूटै। ये जिन्ने कर्म कांड किए जा रहे हैं भलिया, ये परमार्थ के मार्ग में सहाय नहीं हो सकता। मैं पहला बेनती की मौत का डर यह मनुख दे विच पाया गया, तो मोह का जाल विछाया, बच्चे का जन्म होया तो धर्म शास्त्र पढ़ने वाला पहुंच गया, उसने जांदिया ही देखा कहिंदा ओ हो बड़ी माड़ी गल हो, ये जिस नखेत्र के अंदर यदा जन्म होया ना, जिस समय के अंदर यदा जन्म होया है, बड़ा भैड़ा है। हुण तुहानूं पूजावां करानियां पैणगियां, पांच साल तक किसी नूं दस दिता अग का डर, किसी नूं दस दिता पानी का डर, किसी नूं दस दिता उच्ची थां तों डर है, तो वह बेचारे डरे हुए मोह च फसे हुए वह जिहड़े ने ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਜੋੜੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸਾਮੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। फिर उन्हें हाल दसिया, हाल की है, यह हाल है जी, इस तरीके दूजावान कीतिया जाएगी, इस तरीके के दान दिते जाएंगे, फिर योग हो जाएगा।
फिर बच्चे की शादी की वारी आ गई तो शादी के वेले फिर उसने बेचारे ने निर्भरा जाके पहुंच गया। उसने फिर अगों की पढ़ के पत्रियां सुनाया शुरू कर दिया, ना जी ऐ ते कुड़ी मंगलीक है, इस तरह है, इतने योग बनता ही नहीं, ऐसा बनता ही नहीं। फिर जो तरीका दसिया जिस तरीके दे नाल कराया कि भाई इतों इस तरह गलत होगा, इन इस तरह ठीक किया जा सकता है, फिर उन्हें अपना हलवा मांडा जरा सी पैदा कर लिया। फिर किहड़े वेले बरात ने चढ़ना है, किहड़े वेले कुड़ी नूं लैके तुसीं घर दे अंदर वड़ना है, फिर की तरीकेकार करने ने, सारा कुछ दस्सा। हुण इह सारे काम जो खुशी दे सन, कोई मकान बना रहा सी निर्भर है जा पहुंचिया, दिशा किस तरह होवे, किस तरह बने, वस्तु शास्त्र दे नाल राहीं समझाया जा रहा, पौड़ियां किहड़े पासे होण, तुहाडे मकान दा दरवाजा किहड़े पासे होवे, सारिया चीजा उसनों इन्ना निर्भर कर दिता कि वह बंदा हर खुशी के काम के भी निर्भर है, अंदरों की डरिया है कि जे कदे ये कर्म इस तरह नहीं किया पता नहीं की हो जाए, तो पता सब तो वड्डा की होगा कि भाई कोई अनहोनी हो जाएगी घर के किसी की मौत हो जाए। हुण जे कदे गड्डी खरीद रहे फिर भी निर्भर, गड्डी नूं छड्डो, असी देखिया कि भाई देश ने जाके जो सन वह रफैल खरीदे, फ्रांस के कोल रफैल खरीदे गए, तो रफैल खरीद के जो जाके रक्षा मंत्री उत्थे पुजदे ने उत्थे भी जाके उस संदूर दे नाल लकीरां मारी जा रहे ने, चुक चुक के नारियल धरती दे उत्ते मारी जा रहे, की सोचदी दुनिया भाई, दुनिया चंद ते पहुंच गई तुसीं कित्थे फसे पे हो, नारियल थले मारन दे नाल कोई ये बंबारमेंट ज्यादा थोड़ी कर देवेगा, या वो जिहड़ियां तुसीं लीकां मारियां उहदे नाल फ्यूल तो बिना थोड़ी चल पेगा। इत्थे तक की अज्ञानता जो है वह मनुखां दे अंदर भर दित्ती, जाल बिछा के जाल दे अंदर फसा लिया, ये तड़फड़ा के भी जाल चो बाहर नहीं निकल रहे, भैड़ी तरीके फसया, भाव खुशी के कार्यों में फसाया, तो फिर मौत वेले तो यदि लुट करके रख दी। मौत वेले असी देखिया कि इन्ना किताबों का सहारा लैके मनुख नूं इतना डरा दिता गया, इतना डरा दिता गया कि जे कदे किसी की कोई एक्सीडेंटल मौत हो गई तो फिर उस घर वालों को इतना डरा दिता गया कि बंदा तुहाडे घर के अंदर ही पहुंच गया, पता नहीं किन्नियां नूं माल खा जाए। फिर असी देखिया कोई पंचांग भाई पंजकां ने उहदे अंदर मर गया, तो हुण इहदे नाल की होवेगा जी, पंज मौतां हो सकदियां ने तुहाडे घर दी, चल जे कदे तैनूं पता लग गया पंज मौतां हो सकदियां ने तो फिर पंज बचने तो नहीं चाहिए। फिर नाल ही हाल दे दिता, आटे दीआं गुडियां बना के, बेसन दीआं गुडियां बना के, कुशा दीआं गुडियां बना के वो रख लांगे, उहदे नाल बचाव जाएगा, पूजा कर लांगे, ऐ मंत्र उच्चारण कर लांगे, बचाव हो जाएगा, कमाल हो गई। लेकिन पढ़ी लिखी दुनिया भी इस जाल च फसी, उहदे विचों बाहर नहीं निकल सकती, चाह के भी बाहर नहीं निकल सकती, इतना डराया गया। देखने चाहुंदा है कई बार कि भाई बंदा जरा मर गया उहदे वास्ते उहनूं संस्कार दिता, सुआदी मुठ बनी, रोड़ दिता, हस्तियां अपने अकीदे अनुसार वह लैके कि तुर गए, हुण उहनूं डराया जा रहा घरदिआं नूं कि भाई तुहानू इस दीआं रोटियां करनियां ने, इहदे वास्ते दान देना है, ते फिर दान की लिया जा रहा है, कपड़े दे दिओ जी, मंजा दे दिओ जी, बिस्तरा दे दिओ जी, ऐ दे दिओ जी, वह दे दिओ जी, लोकी भी दे जा रहे। ते कई लोगों नू देखिया कहते पंडित जी करियो बड़े पूरे कर्मकांड करने, जे किते कोई फर्क ना रह जाए, साडा बंदा जो है ये हर हालत विच इहदी मुक्ति होनी चाहिए, मतलब टिकट पूरी तरीके नाल पक्की करो, भले ओ जे कदे ये गल पक्की है, मैं नहीं कहता कि पक्की है, गुरमत का फलसफा इन मनता ही नहीं, लेकिन जे कदे तुहानू इन्ना ज्ञान है, इन्ने तुसी समझ गए हो कि भाई किसी नू रोटी खवाउणी है वह भुखा है नहीं, किसी को छतरी की लड़ है, कपड़े की लड़ है, इसकी लड़ है, उसकी तो किनिया है कि पिछे तुम गड्डिया दी भाई उन्होंने गड्डी की भी लड़ होगी, किनिया है कि प्लाट दिते ने कि भाई उन्होंने प्लाट की भी लड़ होगी, मतलब जिथे तक मनुख को फसाया जा सकता है, जिथे तक ठगया जा सकता उत्थे तक ही ठगया जा। इस करके सतगुरु पातशाह ने बाणी के अंदर समझाने का यत्न किया कि भाई मनुख संसार के अंदर ये जो धार्मिक पुस्तक ने इन्हों का एक जाल बिछा के तेनों तेरे तत् ज्ञान तो, तेरे उस परम आनंद तो, तेरा उस जो प्रभु परमात्मा नाल मिलाप होना है उस तो रोकया जा रहा है, उस तो दूर किया जा रहा है, तू ठगया जा रहा है, बच नहीं सकता। तो सतगुरु पातशाह बख्शी बख्शिश करके समझाते हैं कि भाई इन्हों के विचों बाहर निकल, जो इन्हों चो बाहर निकलेंगा फिर तेरा जो है पार तारा हो सकता है। तो सतगुरु पातशाह की बाणी के अंदर जो भगत जी बख्शिश करके समझा रहे ने, ज्ञान दे रहे ने, वेद की पुत्री सिमरत पाई
सांकल जेवरी लह आई। मारे कहते ने भगत जी के जड़ी बेदां दी पुत्री है ना, यह सिमरती बेदां दी पुत्री है, भाव यह वेदा तो जम्मी है, वेदा के आधार से बनी, जिन्होंने इसनों लिखिया है सिमरतियां, चाहे वह किनिया भी किड़े किड़े सन लिखण वाले, एक वक्रा विशा है, किनिया ने की उन्होंने अंदर दर्ज है, एक वक्रा विशा है। इतने भगत जी ने समुची उन्होंने सिमरतियां की गल की कि सारिया जड़िया सिमरतियां ने वेद के उत्पन्न ने, आपा विरोधी ने, फिर कर की रही ने वेदा के, वेदा के आधार से बनी, सच जान तू वेदा की पुत्री है, वेद की पुत्री सिमरत पाई के वेद की पुत्री है, क्योंकि वेदा के आधार से बनी। सांकल जेवरी लह आई। तो भगत जी कहते ने वर्ण आश्रम दियां संगलां ये नाल लैके आई, इसने जो सी मनुखता नूं वंडण वास्ते, वंडण दे विच ये जो संगलां अपने नाल ही लैके, ये खत्री है, ये शूद्र है, ये वैश है, ये ब्राह्मण है, ये सारियां जो वर्ण वंड सी इन्हां दी ही देन है। तो फिर ऐसियां संगलां मारियां ने कि कोई इन्हां चों निकल नहीं सकता। अज भी असीं देखदे हां देश दा राष्ट्रपति होवे ते जे कदे ओह किसे मंदिर विच जाए उह पौड़ियां ते ही बिठा लिया जावे, तू अंदर नहीं जा सकदा, नीच जात दा। अगे अगे जज रिटायर हुंदा है, पिछे उच्ची जाति दा आ गया, ते उच्ची जाति दे ने आउंदिया ही अज दे इस युग दे अंदर उस कुर्सी नूं चंगी तरह नाल धवाया कि भाई मेरे तो पहला इत्थे इक नीच बैठ के गया, मैं इत्थे क्यों बैठा। सरपंच बन गई, सारियां गल्लां खबरां ने अखबारां दीआं कि भाई कोई सरपंच बन गई छोटी जात दी ते उसनूं झंडा नहीं चढ़ाउण दित्ता गया, पंचायत सारी उपर बैठी आ उहनूं तल्ले बिठा दित्ता कि भाई तू छोटी जात दी। सतगुरु ने इन्हां संगलां चों बाहर नहीं निकल सकदा, क्यों कि संगलां सिमरतियां नाल लैके आईआं। सांकल जेवरी जिथे वर्ण आश्रम दी वर्ण वंड दीआं संगलां नाल लैके आई, उत्थे कर्म कांडां दीआं रस्सियां ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਜੇਵਰੀ ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜਕੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਆ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਖੜਾ, ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛਾ ਬੰਨ ਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਖੱਬੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੀ ਖੱਬੇ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹਰਦੁਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਆਓ ਚਲੀਏ, ਆਓ ਚਲੀਏ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਭਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜੋਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀ ਸੰਗਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਐਸੀ ਜੰਜੀਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲਹਿ ਆਈ, ਆਪਣ ਨਗਰ ਆਪ ਤੈ ਬੰਦਿਆ, ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਂਦ ਕਾਲ ਸਰ ਸੰਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਸ ਕੇ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੇਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਦ ਕਾਲ ਸਰਸਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹ ਕੈ ਫਾਂਦ ਕਾਲ ਸਰਸੰਦਿਆ,
कटी ना कटे है टूट ना जाई। बख्शिश कर रहे ने कि सिमरती रूपी जिहड़ी फाई है ना शरदालुआं उत्ते पई हुई यह इन्हां शरदालियां तो कटी नहीं जा सकती, यह चाह के भी नहीं कट सकते। इतने उलझ गए ने, इतने फस गए ने, इतनी सख्ती दे नाल बंधे हुए ने कि चाह के भी इस जाल चो बाहर नहीं निकल सकते, ते अपने आप यह फाई टुटन वाली भी नहीं। कटी ना कटे टूट ना जाई, यह रस्सी टुटन वाली भी नहीं। कि कई बार होंगे कोई चीज बंधी हो अपने आप रस्सी टुट जाए तो वह चीज आजाद हो जाए, कहते भी नहीं टुटन वाली, यह भी बड़ी पक्की है ना। ये अन्याई मनन वाले श्रद्धालु इन कट सकते हैं, तो ना ये फाई अपने आप टुट सकती है कि बेचारे आजाद हो जाए इन्हों बाहर निकल जा। कटी ना कटे टूट ना जाई, सा सापन होए जग को खाई। तो कह लगे वह इस तरह है, इस तरह जग नू अपने श्रद्धालुआ खा रही है सपनी बन के, जिमें सपनी अपने बच्चों को खाती। कहते रहे जो उन्होंने जीवन मनोरथ है लुटिया जा रहा, जिस काम वास्ते संसार च आए सन, परमात्मा की बंदगी करनी सी, परमात्मा का सिमरन करना सी, चंगे जीवन नू जीवना सी, उस जीवन जाच नू दस्या नहीं, केवल वर्ण वंड विच पा के कर्म कांडा च पा के उन्होंने खपत कर दिता, खर्च कर दिता। तो कहते रहे खत्म हो रहे हैं आप ही, जिमें सपनी अपने बच्चों को खा जाती है, इस तरह सिमरतियां जो ने अपने श्रद्धालुओं को खा रही। हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। कबीर जी बख्शिश करते ने कि असी देखिया है इन्हां सिमरतियां ने, इन्हां धार्मिक पुस्तकां ने जिन्होंने सारे जग नू लुट लिया, सारे जग नू लुटिया। जो आत्मक आनंद से वह नहीं लै सके, जो तत् ज्ञान लैना से वह नहीं लै सके, जो जीवन का मनोरथ लैना से वह नहीं लै सके। सच करके परमात्मा के सिमरन बंदगी भजन सेवा तो खुंझे रहे, अते फिर धर्म के नाम के उत्ते ठगे गए, तो यह सिमरतियां जिन्होंने लुट दिया रही लुटे जाते रहे। तो कबीर जी कहते रहे कहो कबीर मैं राम कह छुटिया। कहन लगे मैं उस परमात्मा की बंदगी करके, मैं उस परमात्मा का नाम जप जप के छुट गया। गुरु प्यार वाले इनकलाबी बिरती है भगत कबीर जी सामने खलो के बंगार के कह रहे ने कि भाई देखो तुसी मैनू नीच कह रहे हो, तुसी वर्ण वंड कर रहे हो, तुसी मैनू दस रहे हो कि भाई ये सिद्धांत मैनू अपनाने ने। गुरु प्यार वाले भगत जी दे वचन ने गर्भवास मैं कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कोरे पंडित बामन कब के होए। सामने खलो के वंगार है, दस भाई तू ब्राह्मण कितों बन गया, ब्राह्मण कह कह जन्म मत खोए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, बड़े अहंकार भी जन्म गवा रहे ब्राह्मण कह कह के अपने आप। कहते जे तू ब्राह्मण है, ब्राह्मणी ने तेन जन्म दिता है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काए नहीं आया। कहने कोई होर रस्ता लभ लैंदा, आया तो तू भी उस तरह जिस तरह असी जन्म लिया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध, को कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कियत है हमारा। इन्हां सिमरतियां संगल ते जेवरी लैके आने वाली, इन्हां सिमरतियां नागन ते सरपणी कहने वाली जो जरूरत सी वह केवल ते केवल भगत कबीर जी ही कर सकते। जिन्होंने बांके दोलों कह दिता भाई यह थोड़ा जहा धागा गल च बन के बड़ा अपने आप नू, तू कहिंदा मैं सूतधारी हो गया, मैं जनेऊ धारण कर लिया, मैं ब्राह्मण हो गया, मेरे वर्गा है ही कोई नहीं। कहिंदा मेरे ते घर पिया है, आके देख घर पूरे का पूरा भरिया पिया, ये कि इनकलाबी बिरती। सो गुरु प्यार वाले इो इनकलाबी बिरती गुरु के सिखा के अंदर गुरु पातशाह ने भरी सी, बड़े इतिहास के अंदर मसाला लभदिया ने। जो गुरु पातशाह ने तैयार किया ना श्री हरिमंदर साहब, तो उस वेले ब्राह्मण ने सोचा चलो नवी थान तैयार हुई आके पहुंच गए, बिच विचोले पा दिते कि जी दसो हुण तुसीं पहला थाल किनू दिओगे। है भाई साडी चलो चढ़त बनी रहे। ते सतगुरां ने इको गल कही सी हमरा पुरोहित भाई बनो साध संगत तुम सतकर मनो। कहने लगे असीं किसे पुरोहित की परवाह नहीं करते, सानू किसे पुरोहित की लड़ाई लोड़ नहीं, साडा पुरोहित वह है जिहड़ा सेवा ते सिमरन करन वाला, जिहड़ा भजन ते बंदगी करन वाला। गुरु प्यार वालिओ कौन सी किस जात दा परवाह नहीं की, भाई लालो नू छाती नाल ला लिया। ये गुरु घर की वडियाई है। तो जो सिखां नू ये कहा जांदा सी ना कि तुसी नास्तक हो रहे हो, तुसी मलेश हो रहे हो, तुसी शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते, तुसी वेद क्यों नहीं पढ़ते,
ਤੇ ਇਤਨੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਹੈ ਨਿਆਰਾ ਫਿਰਕਾ ਇਨਕਾ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ ਹੈ ਭੁਗਤ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਪੜੇ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਮਰਜਾ ਹੈ ਬਾਂਟਤ ਹਲਵਾ ਤੁਰਤ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਾਵੇ ਨਾਏ ਗੰਗਾ ਪਾਏ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਏ ਨਾ ਗੰਗਾ ਮਾਏ ਕਰਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜਾਵਤ ਅਸ ਅਨ ਬਸਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦਿਆਵਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜਤ ਸੁਣਤ ਨਾ ਮਾਣਤ ਕਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਥੀ ਕਲਾਮ ਤਿਸ ਪਰ ਰਖਤ ਇਮਾਨ ਤਮਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਮਾਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਂਕੇ ਦੌਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰੋਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੇਦ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਲਾਂ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫੜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਆਸ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ